स्टार्ट। निर्धारिति ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के अधीन अनुतोष के रूप में 21,30,606 रुपए की राशि का दावा किया। विराम। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने अपने द्वारा निकाले गए कच्चे अयस्क की मात्रा और बनाए गए नए भवनों और लगाई गई नई मशीनों का विवरण दिया, किंतु आयकर अधिकारी ने उन्हें अनुतोष देने से अपनी यह राय अभिव्यक्त करते हुए इनकार कर दिया कि विद्यमान ढांचे का विस्तार केवल अधिक उत्पादन अभिप्राप्त करने हेतु किया गया था। विराम। अपील किए जाने पर भी निर्धारिति के दावे को स्वीकार नहीं किया गया। विराम। सहायक आयुक्त ने यह मत अपनाया कि जो कुछ किया गया था वह विधिमान्य सुप्रतिष्ठित उस कारोबार को सुसंगत वर्ष में बढ़ाने के लिए किया गया था जो अनेक वर्षों से किया जा रहा था। विराम। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा आयकर आयुक्त पश्चिम बंगाल बनाम इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वाले मामले में किए गए विनिश्चय का जो निर्धारिति द्वारा अवलंब लिया गया है वह मामला इस आधार पर प्रभेदनीय है कि उसके तथ्य विभिन्न थे। विराम। पैरा। किंतु इसके पश्चात अधिकरण के समक्ष अपील किए जाने पर निर्धारिति के दावे को मान लिया गया। विराम। ऐसा पता लगता है कि अधिकरण ने अभिलेख पर सुलभ सामग्री के सत्यापन और उसकी जांच पड़ताल हेतु स्थल का निरीक्षण किया। विराम। उसके आदेश के पैरा 9 में यह संकेत मिलता है कि किन किन बातों का पता लगाया गया था और कौन कौन से तथ्य उस समय विद्यमान थे। विराम। निर्धारिति ने अपने पहले से ही चल रहे कारोबार में कुछ नई मशीनें लगाने और नए भवन का निर्माण करने के संबंध में आयकर अधिकारियों से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के अधीन अनुतोष का अनुरोध किया था, किंतु आयकर अधिकारियों ने ऐसा अनुतोष देने से इनकार कर दिया। विराम। जब यह मामला आयकर अपील अधिकरण के समक्ष आया तो उसने इस प्रश्न को इस न्यायालय को निर्देशित कर दिया कि क्या निर्धारिति उपरोक्त स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा 80 के अधीन अनुतोष प्राप्त करने का हकदार है। विराम। यह प्रश्न इस निर्देश की मुख्य विषय वस्तु है और इस संबंध में इस बात पर विचार किया जाना है कि उक्त धारा के अधीन अनुतोष केवल नए उपक्रमों के संबंध में ही अभी प्राप्त किया जा सकता है या अन्य परिस्थितियों में भी। विराम। पैरा। कारोबार के पुनर्निर्माण की धारणा उस समय लागू नहीं होगी जब कोई ऐसी कंपनी जो पहले से ही कोई औद्योगिक यूनिट चला रही है कोई अन्य औद्योगिक एकक स्थापित करती है। विराम। नए औद्योगिक एकक का अपना पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त नहीं होगा भले ही उसे किसी ऐसी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया हो जो नए एकक की स्थापना से पूर्व से कोई औद्योगिक एकक चला रही है। विराम। न्यायालय की राय यह है कि अधिकरण द्वारा उल्लिखित तथ्यों के पश्चात इसके बारे में कोई संदेह ही नहीं रह जाता कि जिस चीज की स्थापना की गई थी वह वस्तुतः एक नया औद्योगिक उपक्रम था। विराम। अधिकरण ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि उपक्रम नया उपक्रम था या नहीं सही सिद्धांतों को लागू किया है। विराम। स्टॉप।